महादेव बुक से लिखाए जा रहे सट्टा के खिलाफ चल रही कार्रवाई की कड़ी में पुलिस को अब एक और बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन सट्टा संचालन हेतु बैंक के खातों से रुपए का लेन देन करने वाले तीन आरोपियों नविंदर सिंह उर्फ लक्की, राजवीर सिंह उर्फ चिंटू तथा रजत सहानी को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से महादेव आईडी ऑनलाइन सट्टा में उपयोग किए जाने वाले तीन मोबाइल, दो चेकबुक और दो एटीएम कार्ड को जब्त किया गया है। आरोपीगण प्रार्थी से रुपयों की आवश्यकता है बताकर बैंक का चेक एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर उसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो तुम्हारा रेट सेम होगा, तो जिससे तुमने अकाउंट लिया उसका रेट सेम होगा, तो तीनों बैंक का रेट अलग अलग क्यों है? दुआ रहती है तो वहाँ पे क्या हुआ, मिले हो फिर क्या किया, दिल्ली चले गए, दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध है। आप देख सकते हैं ये एक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक हफ्ते के पाँच दिन के अंदर 50 लाख का इनकमिंग और 50 लाख का आउटगोइंग क्रेडिट और डेबिट हुआ है। तो 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन या पैसा के एवज में उसने अकाउंट खुलवाया है तो ये माना जाएगा कि उसके द्वारा गलत कृत्य के लिए अपने अकाउंट को दिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पिछले 2 साल में सैकड़ों बैंक अकाउंट महादेव ऐप को अवेलेबल कराए। प्रथम दृष्टया अभी 4 बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें कि 5 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाए गए हैं। ये खुद भी दिल्ली में बैठ के पैनल चला रहे थे और इनके द्वारा 8 से 10 पैनल और संचालित करने की सूचना मिल रही है। ये लोकल लोगों को रिक्रूट करते थे और उनको पासपोर्ट बनवा के दुबई भेजने का काम करते थे। ये लोग खुद लगातार रवि उपल के कॉन्टैक्ट में थे और लड़कों को दुबई भेजा करते थे। इनके द्वारा कुछ लड़के जो हैं कनाडा और बाकी दूसरे देश भी भेजे गए हैं जिससे कि वहाँ भी ये इलीगल बेटिंग जो है चालू कर सके। यहाँ के लोकल लड़कों को ये पैसे का लालच दे के रेंट पे अकाउंट खोला करते थे और उसका महादेव ऐप में इस्तेमाल किया करते थे। जनता से मैं आह्वान करूँगा कि जिन्होंने भी अपने अकाउंट पैसों को दे के खुलवाया है पैसे की लालच में, तुरंत अकाउंट बंद कर दें, अन्यथा आने वाले समय में उनके ऊपर भी आईपीसी की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों के ऊपर आईपीसी की धारा 420, 34 और आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।